आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, 20,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या है। यहाँ पर चक्रवृद्धि प्रश्न में नहीं लिखा गया था, बल्कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ही यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं भाई। हल करने से पहले अगर चैनल पर नया आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें मूलधन दिया गया है 20,000 रुपए और आर का मान दिया गया है 10% और टाइम दिया गया है 3 वर्ष का और ये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो यहां पर हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 की पावर एन, या यहां पर टी है ना टाइम, तो टी लिख लीजिए पावर में। पी का मान क्या है 20,000, आर का मान क्या है 10/100, टी का मान क्या है 3, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 एक 11/10 हो जाएगा यहाँ पर, तो 20,000 ठीक, और गुणा 11/10 की घात 3, 20,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 20 गुणे 11 ग्राम 121 हो जाएगा और फिर 1 11 बचेगा, तो 11 एकम 11 की 1 हासिल 1 11 दूनी 22 1 23 की 3 हासिल 2 11 एकम 11 और 11 2 13 गुणे 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, 20 एकम 20 की 0 हासिल 2 20 60 2 62 की 2 हासिल 6 और 20 60 66 की 6 हासिल 6 20 एकम 20 6 26, तो क्या हो जाएगा 26,620 रुपए। तो ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन जो हमें ज्ञात करना था। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 26,620 रुपए। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन करिएगा।